अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्लॉग। मेरा नाम सज्जाद इम्तियाज़ है और आज मैं आया हूँ डेलवेयर वाटर कैप देखने के लिए। रेमंड स्किल वाटरफॉल जो कि यहाँ पर है, 0.5 माइल का रास्ता है यहाँ पर, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है जहाँ पर जिसके लिए मैं खास तौर पे आया हूँ वो है हैकर्स फॉल, जो कि तो पिछली तरफ आएगी और उधर अभी जाएंगे बाद में, लेकिन पहले अभी अंदर जाना है। लेकिन इससे पहले कि मैं अंदर जाऊँ, मैं इस जगह के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ये जगह जो है गूगल मैप के ऊपर एक्यूरेटली आती नहीं है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा और मैं डिटेल जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी इसके कोऑर्डिनेट्स डाल दूंगा, ताकि अगर किसी ने यहाँ पर आना है तो इजीली आ सकें, क्योंकि अदरवाइज आपको जो है, क्योंकि डेलवेयर वाटर गैप काफ़ी बड़ा जो नेचर का प्रिजर्व है एक तरह से, तो वहाँ पर आपको दूसरी साइड पर ले जाता है, तो दूसरी जो ट्रेल्स है वहाँ पर आपको ले जाता है। खैर अभी इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अभी जा रहा हूँ रेमंड स्किल की तरफ, तो अभी अंदर जाके तो फिर देखते हैं। अच्छा जी, मैं अभी अंदर जा रहा था लेकिन उन्होंने यहाँ पर साइन लगाया हुआ, रेमंड स्किल की तरफ जा रहे थे जो कि आ गया, तो उन्होंने कहा कि भालुओं का हैबिटेट है तो एहतियात से रहें, नज़र आए तो जो है कोशिश करें कि उसे अप्रोच ना करें। और भालुओं का ये भी है कि अगर आपके सामने अगर आए थे भालू, काले भालू हैं यहाँ पे, तो आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी, भालू की तो सीधा नहीं देखना, मैं पहले भी ये पहले बता चुका हूँ, आपने थोड़ा तिरछा देखना है, भालू पर नज़र रखनी है लेकिन उसकी आंखों में आंखें डालनी, अपना स्टेटस बना के रखना है, उसके बाद वो आवाज़ निकालनी, भालू को डराने की कोशिश करनी है। अगर भालू डर के भाग गया ठीक है, मोस्टली वो भालू से ताड़ा होगा आपको, तो मेनली यही होता है कि वो देखता है कि आप थ्रेट हैं कि नहीं, तो इवेंचुअली या तो भालू निकल जाएगा या फिर आप निकल जाएंगे या फिर ऊपर निकल जाएंगे। तो खैर अभी मैं रेमंड स्किल की तरफ निकल रहा हूँ। अच्छा जी, सिंस ये लूप है तो यहाँ पर भी जा सकते हैं घूम के और इधर से भी जा सकते हैं, इन्होंने रास्ता बंद किया है, यहाँ तो भालुओं की वजह से बंद है, तो लूप है यहाँ से रेमंड स्किल जाने के लिए, तो मैं इधर से जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये पूरी ट्रेल के ऊपर ये फेंसिंग हुई हुई है, तो मेरे ख्याल से जानवरों को और टूरिस्ट को आपस में इंटरेक्ट करने से रोकने के लिए या फिर भालुओं से बचाने के लिए। अच्छा जी, तो ये ट्रेल बहुत ज्यादा स्टीप है, अभी नीचे जाते हुए तो बंदा आराम से जा रहा है लेकिन वापस ऊपर आते हुए लग पता जाना है, वो सामने आ गई है सीढ़ियाँ तो अभी उसे नीचे जाना है, लेकिन जिस तरह से फॉल के पास जा रहे हैं तो स्टीपनेस उसके साथ साथ इंक्रीज हो रही है, तो बस अभी नीचे जाना है। बाकी इस तरफ खाई है, आई डोंट नो कैमरे के अंदर किस तरह नजर आ रहा है लेकिन काफी गहरी खाई है इधर, अभी नीचे जा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये रास्ता बहुत ज्यादा स्टीप है, तो शुरुआत में स्टीपनेस शुरू हो गई है इसकी, तो ऊपर आते हुए पता लगना, लेकिन आगे पानी की आवाज आ रही है। अच्छा जी, जहाँ से स्टार्ट किया था अगर उधर से आते तो घूम के तो फिर ऊपर से नीचे आना था और इधर जाना हमने, वो रही वाटरफॉल सामने। सो फाइनली आ गई है रेमंड स्किल वाटरफॉल, जो कि पेंसिल्वेनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताता हूँ लेकिन पास चला जाऊँ पहले। अच्छा जी, जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि पेंसिल्वेनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल है, इसकी हाइट 178 फीट है और इसको ईस्ट कोस्ट की और स्टेट की सबसे जो बेहतरीन वाटरफॉल्स है उनमें से एक समझा जाता है, और ये वाटरफॉल तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, अगर तीनों हिस्सों को इकट्ठा जोड़ के उसकी लंबाई नापी जाए तो ये नायग्रा फॉल से चंद फुट छोटी है। ये वाली ट्रेल तो शुरू होते ही खत्म हो गई है, ऊपर से आया हूँ मैं और 0.5 माइल कह रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि 0.5 माइल होनी है, उससे कम ही थी, तो 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे आ गए। तो खैर अभी इधर से निकल रहा हूँ और अभी इधर से जाना है हैकर्स फॉल की तरफ, वहाँ जाके नहाइयाँ करनी है, अगर पानी अच्छा रहा, अगर इस तरह का ही पानी रहा तो फिर तो मज़ा आ जाएगा, अदरवाइज फिर शायद आज भी नहाने का प्लान कैंसिल करना पड़े जैसा कैटरसिल फॉल में किया था, तो देखते हैं। खैर अभी मैं इधर से निकल रहा हूँ, जितना ऑब्जर्व करना था मैंने इसको उतना मैंने कर लिया है, तो बस अभी चल रहा हूँ। अच्छा जी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो लूप से हम नीचे आए थे वहाँ से ऊपर जाकर, तो ये ऊपर इन्होंने व्यूइंग डेक रखा हुआ है, तो उधर आज नहीं मैं जाऊँगा, अभी मैं हैकर स्किल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अगेन वो लंबी ट्रेल है तो उधर जाना है। तो अभी रेमंड स्किल की तरफ से निकल आए हैं, अभी सामने हैकर्स फॉल की तरफ जाना है, थोड़ा सा लंबा लूप है लेकिन कोई नहीं, इधर से अंदर से घूम के तो हैकर्स फॉल की तरफ जाना है। आते हुए लग पता गया, इवन दो का ट्रेल बहुत छोटी थी लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो मज़ा आ गया। खैर अभी मैं इस तरफ जा रहा हूँ। अच्छा जी, हैकर्स फॉल जाने का रास्ता बिल्कुल रेमंड स्किल वाटरफॉल की पार्किंग लॉट के ऑपोजिट है, तो बस अभी मैं एंटर कर गया हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, तो यहाँ से जा रही है क्लिफ ट्रेल, जो कि लंबा रास्ता पड़ता है और ये रास्ता सीधा जाएगा हैकर्स फॉल की तरफ, तो अभी मैं हैकर्स फॉल की तरफ जा रहा हूँ। इवन कि यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है क्लिफ ट्रेल इस तरफ है, हैकर फॉल इधर है, तो इधर चलते हैं।
तो यहाँ से अभी दोबारा नीचे जाना है हैकर्स फॉल की तरफ। ये इन्होंने मार्किंग रखी हुई है, मैं ऑल ट्रेल्स यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता कि इनको उसके अंदर बता रहे हैं किस तरफ जाना है, अदरवाइज ये पूरा लूप जाता है जो कि पहले मैंने शुरू में बताया कि दूसरी एक और ट्रेल जा रही है। तो इधर से नीचे जाना है, इतना ही ऊपर पहले चल के आए हैं पीछे पार्किंग लॉट से, ऊपर आके अब दोबारा नीचे खाई में जाना है हैकर्स फॉल की तरफ। तो बस मैं जा रहा हूँ, बाकी सिंस इस वक्त हजार की शुरुआत हो चुकी हुई है ऑलमोस्ट, देख सकते हैं कि पत्ते जो है झड़ गए हुए हैं, उस तरफ अभी भी थोड़े थोड़े पत्ते नज़र आ रहे हैं लेकिन इस तरफ सारे जो पत्ते हैं वो गायब हो गए हुए। तो बस अभी नीचे जा रहा हूँ। अच्छा इधर ध्यान से जो है चलना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो है पीछे तिलक के हूँ, वो ऊपर से तिलकों दरख्त ने बचा लिया, तो बस ध्यान से जाना पड़ रहा है इससे पहले कि हैकर्स फॉल पे जाने से पहले हैकर्स ही फॉल कर जाए। तो बस जा रहा हूँ, वापस आते हुए बहुत मज़ा आना है ये देखने के। मैं थोड़ा कोशिश करूँ ज़िगज़ैग में जाऊँ ताकि पाँव जो ये जो जड़ें निकली हुई हैं दरख्तों की तो इनके ऊपर पड़े। अच्छा जी, तो इधर से हमने इधर राइट की तरफ जाना है। अभी नीचे आ गया हूँ खाई में। अच्छा जी, ये अभी सांप पाँव के नीचे आते आते रह गया, किधर गया वो सामने है पता नहीं लग रहा होगा, इधर है लेकिन वो है सामने, ये रहा सांप। तो छोटा सा ये बच्चा ही है तो अब मुझे इसकी नस्ल नहीं पता कौन सी है, बाकी लकीली बचत हो गई है क्योंकि यहाँ से आते हुए देख सकते हैं कि पता नहीं लगना इस तरह। तो है अभी इसको यहीं पर छोड़ते हैं, ये देखो यहाँ पर भी ढूँढना पड़ रहा है, तो है इसको भी छोड़ते हैं, इसको छेड़ना नहीं है। तो बस चल रहा हूँ मैं भी आगे, तो इधर बस चीज़ का ध्यान रखना पड़ना है। तो नीचे यहाँ पे दरिया नज़र आ रहा है और हैकर्स फॉल उधर वहाँ सामने पीछे है, तो बस उधर जाके तो अभी जंपे शंपे मारते हैं पानी के अंदर, अगर पानी गहरा हुआ नहीं तो फिर रहने देंगे। बाकी वो सामने आ गई है फॉल, तो ये आ गई है हैकर्स फॉल, लेकिन मेरा भी दिल नहीं कर रहा ना आने के लिए क्योंकि अभी सांप के पास से होके आऊँ, रास्ते में सांप देखा तो मुझे डर है कि कहीं बीच में सांप ना हो। बाकी यह हिस्सा तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इधर बंदा जो है थोड़ा नहा हो सकता ही है, देखते हैं अभी कैसा फील हो रहा है। बाकी मेरे ख्याल से जो रेमंड स्किन फॉल थी वो ज़्यादा खूबसूरत थी, वो ज़्यादा इनकी ऊंचाई से आ रही थी तो ये काफ़ी नीचे से आ रही है। अच्छा इधर वाटरफॉल के पास भी उन्होंने कहा हुआ है कि बालों का ध्यान रखें, तो खैर अभी देखते हैं। तो पानी तो वैसे काफ़ी साफ लग रहा है, यहाँ से बंदा घुस ही सकता है एटलीस्ट, यहाँ यहाँ पे तो बैठ ही सकता है बदल के। तो अभी देखते हैं शेन भी तुम्हें मैं अपना जो है थोड़ा दिल बना ले कि उसने पहले जाना है कि मैंने जाना है पहले। बाकी व्यू काफ़ी खूबसूरत है इधर, तो नहाने के लिए पूरी तैयारी पकड़ ली है, तो अभी देखते हैं कपड़े कपड़े चेंज कर ली है, बाकी शेन का इंतज़ार कर रहा हूँ वो पहले अंदर जाए तो फिर मैं जाता हूँ। अच्छा जी, इधर वैसे स्लिपरी है काफ़ी जगह, तो देख रहे हैं कोई अच्छी जगह पे जाके तो बंदा नीचे उतरे। बाकी इधर ये डड्डू नज़र आया इधर, तो इसने अपना रंग भी बदल लिया, पहले ऊपर से आधा हरा था आधा ये ब्राउन था लेकिन अभी ज़्यादा ब्राउन हो रहा है, जिसका देख सकते अभी जो है बाकी हरा रंग भी उसका जो है बदल रहा है, तो इसको अभी छेड़ना नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी फॉल के पास आ चुके हैं, बस जगह देखते ना छलांग मार देनी अंदर, हौसला नहीं पाड़ा बस। और सो फाइनली नानू भी लिए, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से आज के लिए ये इतना जो है कहते हैं व्यू अच्छा है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अभी यहाँ पे हम थोड़ा और टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा और नहाइया नहाइया करेंगे, उसके बाद जैसे निकलेंगे अभी शाम भी होने वाली है,
तकरीबन हो गए यहाँ पे 1.5-2 घंटे, सुबह सूरज भी नीचे जा रहा है तो और थोड़ी देर घंटा डेढ़ ना आते तो फिर निकलेंगे जैसे। बाकी व्यू भी काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर, वाटरफॉल है, थोड़ा सा नीचे खाई में आना पड़ता है लेकिन मेरे ख्याल से वर्थ इट है। तो पहले रेमंड स्किल गए थे, वो भी काफ़ी अच्छी थी हाइक, लेकिन छोटी थी वो वाली हाइक, और ये वाली तकरीबन 1 मील रख लें इधर आने तक, फॉल तक आने के लिए, तो बैक एंड फोर्थ तकरीबन 2 मील हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से सही है, अच्छी है, मॉडरेट है, लेकिन जाते हैं पता लगना है क्योंकि वो सामने जो पहाड़ जा रहा है उसके ऊपर जाना है। तो खैर मैं वीडियो कहीं पर खत्म करूँ, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।